आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैक्ट्स और तथ्य की चर्चा करेंगे। कल हमने आपके पूर्वाभ्यास करा दिया था, हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में जब स्थापित हुई थी इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो नेहरू जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नेहरू जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया है, कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो ये मानता था कि हमारा संगठन लोगों के समूह को का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद मैंने बताया था कल सेफ्टी बॉन्ड थ्योरी, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया 1913 में लिखा था कि यह डफरिन के दिमाग की उपज थी और उन्होंने सेफ्टी बल्ब के रूप में हमारा यूज किया। और फिर गोखले ने कहा कि यस दे यूज अस एज ए सेफ्टी बल्ब विल बी बट वी आल्सो यूज देम एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। लाला लाजपत राय की सेफ्टी बल्ब की थ्योरी का समर्थन वेडरमैन ने किया है, यंग इंडिया में जो दिया था उसका सेफ्टी बल्ब थ्योरी ठीक है, ये जो दिया था कि सुरक्षा कवच या डफरिन के दिमाग की उपज थी, यानी डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये जो लाला लाजपत राय किया था उसका भी समर्थन बैटरगन ने किया था। बैटरगन ने क्या कहा था कि कांग्रेस का उत्थान जो एक सुरक्षा कवच के रूप में किया गया है जिससे कि असंतुष्ट लोगों को ब्रिटिश सरकार के प्रति आकर्षित किया सके। बेडरमैन जो ह्यूम के जीवनी कार्मिक थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। जैसा कि मैंने कहा चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन जो इलाहाबाद में जॉर्ज जूलियट में हुआ था, जब वहां पे डफरिन से विवाद हो गया और डफरिन का मानना था कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक का संगठन है और इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो अधिवेशन करना मुश्किल हो गया था। तो दरभंगा महाराज ने लोखाड़ा हाउस खरीद के दिया और तब जर्जोजिलो की अध्यक्षता में 1888 में चौथा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1890 के छठे कांग्रेस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। क्यों इंपॉर्टेंट है कादम्बिनी गांगुली, यह पहली ग्रेजुएट महिला थी, फर्स्ट ग्रेजुएट महिला थी। कादम्बिनी गांगुली पहली ग्रेजुएट महिला थी जिसने 1890 की कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव और आया था कि जमींदारी बंदोबस्ती को, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्ती को पूरे भारत में लागू कर दिया जाए, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। फिरोज शाह मेहता इस कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि ये जमींदारी बंदोबस्ती है या अस्थाई बंदोबस्ती है तो पूरे भारत में लागू किया जाए। दो कारण, एक तो फर्स्ट ग्रेजुएट महिला कादम्बिनी गांगुली भाग ले रही थी, दूसरा जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त पूरे भारत में लागू किया जाए, फिरोज शाह मेहता ये अध्यक्षता कर रहे थे। इसीलिए यह आगे चल के आरोप लगता है कि जो कांग्रेस ऐसा संगठन था जो जमींदारों के हितों के लिए ज्यादा काम करता था, जमींदारी बंदोबस्ती अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के हितों के लिए ही था। 1889 में जब बैडरमैन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उसमें ब्रिटिश समिति गठित की गई थी और कहा गया था कि ब्रिटेन में जाकर के सम्मेलन किया जाएगा और हम ब्रिटिश महारानी को या संसद में सदस्यों को समझाया जाएगा कि कैसा यहाँ अन ब्रिटिश रूल हो रहा है, इसीलिए ब्रिटिश समिति गठित की गई। हालांकि कांग्रेस अधिवेशन वहां हुआ नहीं।
और फिर एक वहां से एक ब्रिटेन से इंडियन पेपर निकाला गया 1890 में, इंडियन पेपर जो कहा जाता है उदारवादियों का मुख्य पेपर था। इंडियन जो है उदारवादियों का मुख्य पेपर था, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो कहा गया है, जैसे कर्जन ने कहा कि कांग्रेस पतन के कगार पर खड़ी है और मैं अपने रहते कांग्रेस पतन के कगार पर खड़ी है और मैं अपने रहते इसकी अंत्येष्टि चाहता हूं, ये कर्जन ने कहा था। विलिंगडन ने कहा था या जो यह संस्था जो है इसकी जनता के बीच पकड़ नहीं है और इसकी हालत गड़बड़ है, कांग्रेस की हालत गड़बड़ है और जनता के बीच इसकी पकड़ नहीं है, ये विलिंगडन ने कहा था। तिलक ने कहा कि हम मेढक 3 दिन मेढक की तरह टहराएंगे, मेढक की तरह टहराएंगे। तिलक ने कहा कि 3 दिन मेढक की तरह टहराएंगे, 3 दिन मेढक की तरह टहराएंगे तो हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी कारण तिलक के साथ पाल ने भी, बिपिन चंद्र पाल ने भी इसको कहा कि यह सिर्फ याचना संस्था रह गई है, यह सिर्फ याचना संस्था रह गई है। पाल ने कहा कि यह एक याचना संस्था रह गई है। अश्विनी कुमार दत्ता ने इसे 3 दिन का तमाशा कहा, अश्विनी कुमार दत्ता ने इसे 3 दिन का तमाशा कहा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस के लोग ये पद के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। उसके बाद हम 1895 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। इसमें पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की समस्याओं को हल करने की चर्चा की गई, उसकी मांग उठाई गई। दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर पहली बार चर्चा हुई ऐसे 1895 में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। 1896 में रहीम तुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अब याद रखिएगा इसका अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में, रहीम तुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1897 के कांग्रेस अधिवेशन को इसलिए जाना जाता है कि तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में पहली बार वहां मांग उठाई गई थी 1897 के कांग्रेस अधिवेशन में। उस दरमियान बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन हम आते हैं 1905 में गोखले कांग्रेस अध्यक्ष हुए, यह अधिवेशन बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे और इन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे, और गोखले खुद महात्मा गांधी के गुरु थे। 1905 तक आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव रहा, लेकिन 1905 के बाद पूरे कांग्रेस संगठन पे गर्मपंथियों का प्रभाव हो गया, विशेषकर लाल बाल पाल का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया और लगभग अपरूट करने की स्थिति में कांग्रेस आ गए थे, गर्मपंथी उदारवादियों को अपरूट करने की स्थिति में आ गए थे और यह विभाजन का स्वरूप लेने लगा था। इस कारण 1906 में दादा भाई नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, जिससे कि इस विभाजन को रोका जा सके। और 1906 में दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस अध्यक्ष बने और गर्मपंथियों के सुझाव पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया कि हमको स्वराज से कम नहीं चाहिए। ये कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू जी ने उठाया स्वराज, ये अगर ये नेहरू जी नहीं होते तो कांग्रेस 1906 में ही विभाजित हो जाती। एक विशेष घटना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जिन्ना के लिए पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना का पदार्पण 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में ही हुआ। वे दादा भाई नेहरू जी के पीए के रूप में इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और दादा भाई नेहरू जी के हिंदी अंग्रेजी भाषण का हिंदी अनुवाद उन्होंने ही पढ़ा
पीए के रूप में और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना जी आए थे। आपको बताया 1960 में सूरत राज बिहारी बोस जिसके अध्यक्ष थे, उस साल में कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरमपंथी और नरमपंथी, और कांग्रेस का पहली बार विभाग 1960 में हुआ। 1909 में इसकी हीरक जयंती मनाई गई, यानी सिल्वर जुबली मनाई गई 1909 में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, जिसमें सिल्वर जुबली मनाई गई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट 1912 का 28वां कांग्रेस अधिवेशन बिहार के विशेष संदर्भ में, इसकी अध्यक्षता मधोलकर कर रहे थे, जो बांकीपुर में हुआ था। 1912 के 28वें कांग्रेस अधिवेशन में इसका मधोलकर कर रहे थे और यह अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे, माने जेएनयू पंडित जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस में पहली बार पदार्पण बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में ही हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे, उस अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट काफी ऐतिहासिक है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ, और अब जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन का जो दायरा वो बहुत बढ़ा। लेकिन इसको एक और चीज से याद किया जाता है अधिवेशन को, जो लखनऊ पैक्ट के कारण ये कहा जाता है कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत हुई। क्यों? तो कांग्रेस ने जो सांप्रदायिक आधार पर जो 1909 के एक्ट में जो आरक्षण दिया गया था मुसलमानों के लिए, उसका विरोध किया था। अब तक 1916 के एक्ट में उनको जोड़ने के लिए बात मान ली गई, और कहा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा तुष्टिकरण का यह पहला प्रयास था, जो आगे चल के मुस्लिम लीग ने इसका बार बार इस्तेमाल किया, और जिसके कारण भारत को सांप्रदायिकता, दंगे और विभाजन का दंश झेलना पड़ा। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस में यह पहली महिला थी जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी 1917 में। याद रखें एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, लेकिन पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1918 में फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन इसलिए हुआ कि जब मॉन्टेग्यू ने घोषणा की गई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी, युद्ध में आप साथ दें, आपको उत्तरदायी सरकार का मौका देगा। उसी क्रम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया जा रहा था, लेकिन जो गर्मपंथी थे वो उसके प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे, और वो इसका बहिष्कार कर रहे थे। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कहना था कि अगर पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब तो हमें कुछ मिल रहा है, तो हमें इसका विरोध न करके इसे स्वीकार करना चाहिए। जबकि गर्मपंथियों का कहना था नहीं, हमें पूर्णतः उत्तरदायी सरकार चाहिए, हमको कमजोर सरकार नहीं चाहिए। इस कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 1918 में दूसरा विभाजन हुआ और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की। नेशनल लिबरल लीग राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की, राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की। 1918 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये पहला मौका था जब तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने उनको फादर ऑफ अनरेस्ट की उपाधि दे दी थी, यानी यह कि वह अशांति के जनक हैं, तो और इसके अलावा बहुत सारी टिप्पणियां की गई थी वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा तिलक पर। इस कारण तिलक जो है वो लंदन गए वैलेंटाइन सिरोल पर केस करने के लिए, तो वैलेंटाइन सिरोल पर केस करने के लिए लंदन चले गए, इसलिए वो 1918 के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता
नहीं कर सके और उसके बदले में मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो 1918 का बंबई अधिवेशन था बिहार, ये 1918 में जो मुख्य अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था, ये बिहारी थे। हसन इमाम की अध्यक्षता में 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम के थे, ये बिहार के नेता थे। हसन इमाम आपने सुना होगा, बिहार वाले मन पढ़ाया था। 1920 में जब जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, आप एक मान के रखे, एकमात्र लाल बाल पाल में एकमात्र व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो लाला लाजपत राय थे। 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में एक तो कांग्रेस के संविधान में पहली बार परिवर्तन किया गया, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार संविधान में परिवर्तन किया गया। दूसरा, हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। फिर 38वां कांग्रेस अधिवेशन 1922, 38वां कांग्रेस अधिवेशन 1922 को गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 1922 के कांग्रेस अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी गया में। यहां भी एक विभाजन का स्वरूप यह था कि चित्तरंजन दास विधानसभा के चुनाव में भाग लेकर अंग्रेजों को परेशान करना चाहते थे, वहां उनके अवरोध कर पता करना चाहते थे विधानसभा में, जबकि गांधी जी के साथ जुड़े हुए और परिवर्तनवादी जो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका कहना था कि नहीं, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस प्रश्न पर विभाजन हो गया और फिर चित्तरंजन दास ने 1923 में क्या किया, स्वराज दल की स्थापना 1923 में की, इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की, इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। इनके साथ मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और खुद चित्तरंजन दास थे। फिर क्या मैंने कहा कि 38वां जो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास का गया में विभाजन हो गया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू, विट्ठल पटेल और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था और चित्तरंजन दास के अध्यक्ष बने। विट्ठल भाई पटेल ने चुनाव भागीदारी की और विट्ठल भाई पटेल ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, असेंबली के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने और इन्हें फादर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाए, फादर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विट्ठल भाई पटेल को कहा जाता है। इसको विट्ठल भाई पटेल को इसलिए फादर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था, ये देवबंदी आंदोलन से जुड़े हुए थे और 40 में क्योंकि आजाद जो है वो आलोचन के काम जब 40 में उनका देखेंगे, 1924 में बेलगांव में आपको पता है गांधी जी अध्यक्ष बने थे, पता है ये। उसके बाद 1925 का जो अधिवेशन हुआ वो सरोजनी नायडू बनी, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की गई, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने का आह्वान किया गया सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में। इसमें क्या कहा गया, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में अयंगर कर रहे थे और इस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 1917 के मद्रास अधिवेशन के
मोहम्मद अंसारी कर रहे थे। मोहम्मद अंसारी के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये 1998 मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, ये मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। यानी ये पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने हैं, और मुस्लिम 1918 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और 1927 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने। 1928 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने और उस अधिवेशन में पहली बार युवा कांग्रेस संगठन की स्थापना की गई और युवा कांग्रेस संगठन के पहले युवा अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, पहले कांग्रेस युवा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। हालांकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, पूर्ण स्वराज, और इसको पूर्ण स्वराज की जो संकल्पना व्यक्त की गई थी इसको फलीभूत करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। और इसी प्रतीकात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ, कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस कांग्रेस अधिवेशन में कई चीजें कही गई, जैसे पहली बार मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्व की का प्रस्ताव लाया गया, जिसका ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। यानी ये ध्यान में रखिएगा, कोई आदमी पटेल आंसर दे देते हुए जो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में जो मौलिक अधिकार या नीति निदेशक तत्व से संबंधित जो प्रस्ताव आए थे उसका ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था 1931 कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। फिर 1934 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, पहले थे, पहले बिहारी जो थे वो हसन इमाम थे 1918, उसके बाद दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी पर प्रहार किया जा रहा था, आपको याद होगा तो असंविधान अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया, और असफल होने के कारण जब उन पर प्रहार किया गया तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का साथ लिया, और उस समय गांधी जी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बालों से कांग्रेस जैसे कई संगठन खड़ा कर दूंगा। उसके बाद का जो मुख्य अधिवेशन था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि यह पहला यह अधिवेशन था जहां जो ग्रामीण क्षेत्र में अपन करवाई गई थी। 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी वो पहला ग्रामीण सम्मेलन था। इसमें जो है सो समाजवादी स्वरूप को सामने में विश्व में रखा गया। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो था वो सुभाष चंद्र बोस के लिए जाना था, सुभाष चंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पट्टा बी सीतारामैया प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के समर्थन के बावजूद पट्टा बी सीतारामैया की हार हुई और गांधी जी ने कहा कि पट्टा बी सीतारामैया की हार मेरी हार है, और इसके कहने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने असहयोग करना शुरू कर दिया। तब जाकर के इन्होंने रिजाइन दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को सौंपा गया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चलते रह गया, तो लगातार 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे।
इस आधार पर ये कांग्रेस के सबसे ज्यादा आजादी से पूर्व कांग्रेस के सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति हुए। और 1946 के में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ तब भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1948 में सीतारमैया जो कांग्रेस के इतिहासकार थे उन्होंने 1948 में सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1950 में पुरुषोत्तम दास तो टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1955 का हम अवार्डी सम्मेलन से याद रखते हैं। 1955 के अवार्डी सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता यूएन ढेवर ने की थी उनका कहना उसी अधिवेशन में कांग्रेस लोकतांत्रिक समाजवाद की संकल्पना कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अवार्डी तमिलनाडु 1955 में अधिवेशन हुआ था ढेवर की अध्यक्षता में। इसको आप ठीक से उतार लें और